राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कुरकुरी चावल के आटे से गाठिया नमकीन बनाने का नया तरीका लेकर के आई हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, उसके बाद इसे एक बार बना के महीनों स्टोर करके रख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है, बहुत ही ज़्यादा खस्ता बन के ये तैयार होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे ले लेना है चावल का आटा। तो यहाँ पे मैं छोटे वाले कटोरी से आधे कटोरी के करीब चावल का आटा ले ली हूँ और इसी से मैं आज आपको गाठिया नमकीन बना करके दिखाऊंगी। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे ले लेना है कोई भी एक इस टाइप का बर्तन, इसके ऊपर डाल देना है एक छन्नी, देखिए, और इसमें डाल देना है सारे चावल के आटे को। चावल का आटा डाल के इसे अच्छे तरीके से छान लेना है, देखिए, और अगर थोड़ा सा भी चावल का टुकड़ा मिलता है तो उसे हटा देना है। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से बनाकर आप आराम से रख सकते हैं इसे। क्या करना है, इसमें डाल देना है आधे चम्मच के करीब नमक। देखिए, यहाँ पे मैं आधे चम्मच के करीब इसमें नमक डाली हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, जैसा नमक आप खाना पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा। कई लोग थोड़ा सा नमकीन में ज़्यादा नमक खाना पसंद करते हैं। इसके साथ ही इसमें डाल देना है थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, और अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा धनिया और जीरा का पाउडर। देखिए, हल्का सा धनिया और जीरा का पाउडर डाली हूँ। अभी दोस्तों, मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। देखिए दोस्तों, इतना सा इसमें लाल मिर्ची पाउडर भी मैं डालूंगी, इसका भी स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और दोस्तों, अभी इसे और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा। देखिए, यहाँ पे हल्का सा जीरा ली हूँ, जीरा को हाथों पे इस तरीके से मसल के और इसमें डालना है। तो हल्का हल्का सा सारा चीज़ मैं डाल रही हूँ। इसके साथ ही इसमें डाल देना है थोड़ा सा गरम मसाला, इसका भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसमें डालने के बाद अभी सारी चीज़ को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से पहले इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी अजवाइन, क्योंकि कच्चा जीरा डाली हूँ तो अजवाइन भी इसमें थोड़ा सा डालना है। तो देखिए, हाथों से इस तरीके से मसल के इसमें थोड़ा सा अजवाइन मैं डाल दी हूँ। डालने के बाद अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए इसे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इसे अच्छे से मिक्स करके तैयार कर ली हूँ। इसमें कोई भी गांठ गुठली नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है आपको। देखिए, मिक्स करने के बाद अभी क्या करना है, इसे और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए, और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें मैं डालूँगी, ज़्यादा नहीं, मैं जितना बता रही हूँ उतना ही डालिएगा, इसमें डालना है थोड़ा सा बेसन। तो देखिए, हल्का सा बेसन यहाँ पे ली हूँ और बेसन को इसमें डाल दी हूँ। बेसन डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी तो मैं आप लोगों को डेली सिखा पाऊंगी कुछ नया नया सा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। अभी क्या करना है, इसमें डाल देना है थोड़ा सा तेल। तो यहाँ पे मैं हल्का सा इसमें रिफाइंड का तेल डाल रही हूँ और इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए दोस्तों, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मैं मिला रही हूँ। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी रेसिपी मिल रही है दोस्तों डेली, तो आप लोग डेली सीखिए कुछ नया नया और अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए, हल्के हाथों से इसे मैं यहाँ पे मिक्स कर ली हूँ। तो मिक्स करने के बाद अभी क्या करना है, यहाँ
यहाँ पे एक कटोरी में मैं थोड़ा सा पानी ले ली हूँ और इसमें हल्का हल्का सा पानी डालना है। देखिए इस तरीके से डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर रही हूँ। देखिए काफी अच्छे तरीके से दोस्तों इसे मिक्स करना है, इस तरीके का डो बना देना है इसका। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अभी क्या करना है, हल्का सा हाथ पे तेल लगाना है इस तरीके से और इसे थोड़ा सा चिकना करना है। देखिए इस तरीके से करके और थोड़ा सा हाथों पे तेल लगा के और इसे बढ़िया से चिकना कीजिए। देखिए और अभी मैं इसे बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे करके कर ली हूँ और अब मैं इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी साइड में रख के। इससे क्या होगा, ये जो है वो हल्का सा फूल के तैयार हो जाएगा और फूला हुआ रहेगा तो काफ़ी स्वादिष्ट ये लगता है खाने में भी। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ 5 मिनट हो गया है यहाँ पे और ये आपको हल्का सा फूला हुआ भी दिख रहा होगा, तो आप इसके ऊपर ढक्कन लगा के आराम से इसे छोड़ दीजिए और देखिए इस तरीके से ये तैयार हो जाता है। तो ज़्यादा गीला नहीं रखना है ना ही ज़्यादा इसे टाइट करना है, बस इस टाइप का ही इसे रखना है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी रेसिपी चाहिए होती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बोला कीजिए, मैं वो रेसिपी ही अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए ताकि आप लोग उसे आराम से बना के और रख सकें। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ये तो काफ़ी अच्छे तरीके से आटा जो है वो तैयार हो गया है। अभी क्या करना है, यहाँ पे कोई भी इस टाइप का ले लीजिए सांचा, इसमें डाल देना है ये वाला जो होता है, देख पा रहा होंगी ये स्टार वाला जो होता है ये वाला मैं इसमें डाली हूँ। डालने के बाद अभी इसमें डाल देना है आटा, इसे अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। देखिए यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से सेट कर ली हूँ और सेट करने के बाद अभी इस तरीके से करके इसे घुमा लीजिए, जितना पे बेसन आएगा उतना इसे घुमा करके नीचे करना है। तो देखिए इस तरीके से करके इसे मैं बिल्कुल नीचे कर दी हूँ और जैसे ही इसे नीचे की हूँ तो ये इस तरीके का निकलना स्टार्ट हो गया है। तेल यहाँ पे चढ़ा ली हूँ मैं और तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिए। तेल हल्का सा गर्म भी हो गया है, इसमें सारे इस तरीके से नमकीन को डालना है, गाठिया नमकीन को इस तरीके से डाल के और इसे अच्छे तरीके से अब फ्राई होने दीजिए। देख रहे होंगे दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से ये फ्राई होता है, तो गैस की फ्लेम को ज़्यादा हाई मत रखिएगा, मीडियम ही रखना है और इसे अच्छे तरीके से पकाना है। दोस्तों आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही हमेशा सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं आप लोगों को डेली सिखाती रहूं कुछ नया नया सा। तो दोनों साइड से इसे अलट पलट करते हुए पकाना होता है। देखिए इस तरीके से करके इसे अच्छे तरीके से खस्ता करना है, बिल्कुल इसे खस्ता बनाना होता है। तो चलिए थोड़ा सा इसे गोल्डन ब्राउन करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरफ से भी हो गया है, वापस से मैं इसे पलट लेती हूँ और अभी इस तरफ से भी मैं इसे अच्छे तरीके से करारा होने देती हूँ। इसे आप इस तरीके से करके और हल्का हल्का सा तोड़ भी सकते हैं। देखिए ताकि ये जो है वो टुकड़ों में बट जाए तो खाने में भी अच्छा रहेगा। देखिए इस तरीके से करके इसे अच्छे से फ्राई कर ली हूँ और ये अच्छे से गोल्डन भी हो चुका है। तो ऐसे बना करके और आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी होगी तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों
राधे राधे।